नमस्कार साथियों, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि हड्डियों को मजबूत कैसे किया जाए। ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी की हड्डियाँ कमजोर हैं तो उसको कैसे मजबूत करें या हड्डियों में फ्रैक्चर होने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, इसके बारे में स्पेशली मैं बात करूँगा। और आपके दिनचर्या में क्या सुधार करना है, इसके बारे में बात करूँगा। तो जो हड्डियां हैं, सबसे पहले तो जिस चीज़ से बनी हुई रहती है उसको आपको जानना है। जो हमारी बोन्स हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमें सबसे पहले पता करना है कि किस चीज़ के लिए होती हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस चीज़ से बनती हैं। फिर वो चीज़ जिस खाने में होता है बस उस खाने को हमें ज़्यादा खाना है या नॉर्मल मात्रा में खाना है। तो पहली चीज़ तो ये करना है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो हड्डियाँ बनाती हैं, वो चीज़ें हमें हमारे शरीर के अंदर आ जाएं। दूसरी इस बात पे ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में हड्डियों को कमज़ोर करती हैं, ऐसा कह सकते हैं। बेसिकली हड्डियों के अंदर जो हमारी बोन्स है उसके अंदर एक सेल होता है, ऑस्टियोक्लास्ट हम लोग बोलते हैं, जो हड्डियों को गलाता है, उसको कमज़ोर करता है, उसके अंदर छेद करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट वाली एक्टिविटी को रोकना है और हड्डी बनाने वाली जो सेल्स होती है ऑस्टियोब्लास्ट, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ों पे फोकस रखना है। और एक तीसरी चीज़ है कि हड्डियों की एक्सरसाइज कह सकते हैं, कि हड्डियों की एक्सरसाइज से मतलब है कि उन पे लोड डालना, उन पे वेट देना है, उनसे काम कराना। इससे क्या होता है कि हड्डियों की जो स्टिमुलस मिलता है उनको नई हड्डी बनाने के लिए, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जो हड्डी का मतलब जो बोन का रिजनरेशन एक तरीके से कह सकते हो, कैल्शियम का डिपोजिशन कह सकते हो, वो सब कराने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ काम करना है, कुछ वजन शरीर पे लेना है, चलना फिरना है। तो ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले खाने पे आते हैं। तो खाने में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है कैल्शियम, क्योंकि हड्डी का मेजर पोर्शन कैल्शियम से बनता है। अब कैल्शियम, अब जो सबसे अच्छा कैल्शियम मिल सकता है हम लोगों को वो है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों में, जैसे कि दूध है या पनीर हो सकता है, दही हो सकता है, चीज़ हो सकता है, या दूध से और भी कोई चीज़ बनी रहेगी तो उसके अंदर कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। नॉर्मली कैल्शियम की बात करें तो 1 ग्राम चाहिए एक आदमी को पर डे, कुछ लोगों को 1 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, 1200 मिलीग्राम, जैसे कि गर्भवती महिलाएँ हैं, प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, या जो लोग बुजुर्ग हैं जिनके आँत में से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, या एडोलसेंट लोग जिनकी हड्डियाँ बन रही हैं, यंग जो लोग हैं उनमें, तो 1 ग्राम चाहिए। तो एक तो दूध और दूध वाली चीज़ों से, इसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाए, आप समझे कि कैल्शियम हमारे जो भी अनाज होते हैं, जो अनाज होते हैं जैसे कि गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा, कुट्टू, किनोया, ये सारे जो सीरियल्स हैं इन सब में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते क्योंकि हम लोग खाते इनको ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में है। तो अगर आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएंगे इनमें से तो आपको वहाँ से भी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सब्जियाँ हैं, स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल हम लोग बोलते हैं, पालक है, मेथी है, सरसों का जो साग होता है, केल वगैरह, इन सब में भी कैल्शियम होता है, तो वहाँ से भी मिल सकता है। इसके अलावा जो दालें होती हैं, जो बीन्स होते हैं, जैसे कि मटर है, चना है, राजमा है, तुअर है, इन सब में कैल्शियम होता है, मतलब ठीक क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा सोया बीन है, सोया का जो टोफू आता है, पनीर है, या सोया मिल्क है, यहाँ से भी कैल्शियम मिल सकता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, काजू है, या एक मूंगफली बड़ा अच्छा सोर्स हो सकता है, मूंगफली खाएं। या इसके अलावा कुछ जो सीड्स होते हैं, स्पेशली जो एक तो होता है चिया सीड्स है, एक तिल है, इसके अलावा जो कद्दू का बीज होता है, इन सब में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है या ठीक मात्रा में होता है, या जितनी ज़रूरत है हम यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा नॉनवेज है, नॉनवेज में कोई भी तरह का नॉनवेज हो उसके अंदर जो बोन्स होती उसमें रहेगा और जो मसल्स रहती उसमें भी रहेगा। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन लोग रहते हैं उनके लिए ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और स्पेशली तब जब किसी को दूध ना पसंद हो, लैक्टोज इनटॉलरेंस हो, तो कैल्शियम की डिमांड पूरा करना मुश्किल हो जाता है। फिर उन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप घर की बनी हुई चीज़ों को रोज़, मतलब डिफरेंट मिक्स सीरियल्स या जो दालें हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन की चीज़ों को, इनको खाएं। अगर इनसे भी पूर्ति ना हो तो कैल्शियम की टैबलेट्स आती है मार्केट में, उनको भी लिया जा सकता है, लेना चाहिए,
कोई उसमें डरने घबराने की बात नहीं है कि वो टेबलेट के रूप में है तो कोई बहुत वैसी चीज हो जाएगी। सबसे जरूरी चीज है कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे या कैल्शियम के साथ बोल सकते हो विटामिन डी। एक चीज आप ये समझें कि अगर विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में कम रहेगी तो कैल्शियम कितना भी हो खाने में उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता, क्योंकि विटामिन डी ही पेट में से कैल्शियम को अंदर लेता है शरीर के अंदर, और हड्डी के अंदर भी वही बैठाता है। जो कैल्शियम से बोन बनने की पूरी प्रोसेस है उसमें विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और दुर्भाग्य है कि इंडिया में काफी या ज्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी मिलती है। हम लोग जितने पेशेंट को देखते हैं उसमें आप ये समझे कि 70-80% लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। नॉर्मली विटामिन डी 30 से ज्यादा होना चाहिए, 30 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा होना चाहिए, पर अपने देश में देखा जाए तो अगर महिलाओं की स्पेशली बात करें तो 10, 12, 15। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो हड्डियां अपने आप कमजोर हो जाएंगी। आपके खाने में चाहे जितना कैल्शियम हो या चाहे जितनी और भी दूसरी चीजें हों, तो सबसे पहले तो आपको अपने विटामिन डी के लेवल पे ध्यान रखना है। ये रोज का 600 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट तक चाहिए होगा, लेकिन इसके जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है। एक तो सन है, सन एक्सपोजर, आपको धूप लेनी है। अब धूप कितनी लेनी है अगर इसकी बात करें तो आपको कम से कम नहीं तो 15 से 20-25 मिनट धूप लेनी है। वो भी ऐसा नहीं कि पूरा कपड़ा पहन के धूप ले रहे हैं, सिर्फ चेहरे और हाथ पे लग रहा है, मतलब शरीर के काफी सारे पोर्शन पे धूप लगेगी तो विटामिन डी रहेगा। खाने में विटामिन डी जो हमारा इंडियन खाना उसमें तो ना के बराबर है। जो मछलियां हैं फैटी फिश है उसमें होता है, या तो जो मीट का लीवर वगैरह होता है उसमें हो, या कोई खाना जैसे होता है फोर्टिफाइड हो जाए, मतलब उसके अंदर मिलाया हो मिल्क के वगैरह या सीरियल या कुछ और रेडीमेड चीजें होती है उसके अंदर मिलाया हो, तो इंडिया में तो वो सारी चीजें बहुत कम खाई जाती हैं। तो ले दे के फिर एक तो एग होता है, एग का जो येलो वाला पोर्शन उसमें विटामिन डी होता है। जो लोग फिश खाते हैं उनको मिल जाएगा, जो लोग मीट का लीवर खाते हैं जैसे कि गोट वगैरह का उस केस में नहीं, तो फिर ये आपको कैप्सूल के रूप में या टेबलेट के रूप में विटामिन डी लेना पड़ेगा, या तो सन से लेना पड़ेगा। तो ये विटामिन डी बहुत जरूरी है अगर हड्डियों को मजबूत रखना है, कमजोर हो रही हैं, तो विटामिन डी पे सबसे पहले फोकस करें। कैल्शियम तो कहीं ना कहीं से आ जाता है, पर विटामिन डी की कमी जैसे मैंने बताया कि बहुत कॉमन है। और जो तीसरी चीज है खाने में आपको ध्यान रखना है प्रोटीन। प्रोटीन से ही चीजें सारी बनती हैं। उसमें प्रोटीन एक ऐसा चीज है जो शरीर के सारे हिस्से बनाने के काम में आता है, वैसे ही हड्डियां बनाने में प्रोटीन का रोल है, स्पेशली जो इसके अंदर कोलेजन फाइबर वगैरह बनते हैं। तो प्रोटीन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको तो आसानी से मिल जाता है, पर वेजिटेरियन लोगों के लिए कई बार मुश्किल रहता है। तो दूध और दूध से बनी चीजों में प्रोटीन होता है, पनीर वगैरह हो गया, या इसके अलावा फिर दालें बचती हैं कि दालों में से लिया जाए, सोयाबीन में से लिया जाए, ये कुछ सोर्सेस रहते हैं प्रोटीन के। कुछ फ्रूट्स और आपके जो सीरियल्स वगैरह रहते हैं उसमें भी हो सकते हैं। तो ये तो तीन मेन हो गए, तीन चीजें जो ज्यादा आपको खाने में होनी चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा जो बोन है, बोन फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन के चाहिए, विटामिन सी चाहिए, कॉपर, बोरान, ये सब भी चाहिए होता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप मिक्स खाना खाते हो, मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हो, जैसे कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, या घर के जो अनाज हैं, दूध वगैरह लेते हो, तो इन सब की पूर्ति हो जाएगी। तो ये सारी चीजें चाहिए होती है एक अच्छी मजबूत हड्डी बनाने के लिए, बोन बनाने के लिए। तो ये सारी चीजों को आपको खाना है, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एक्सरसाइज करना है आपको कम से कम 20 से 25 मिनट। उससे जो बोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टिमुलेट होती है, बोन नई बोन बनती है। और ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जिससे जो हड्डी है कमजोर होती है। बेसिकली जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो हड्डी को कमजोर करते हैं, उसमें से कैल्शियम वगैरह रिमूव करते हैं, वो सारी चीजें ना होने पाए। तो उसमें इम्पोर्टेंट एक तो है स्मोकिंग, निकोटीन किसी भी रूप में हो, एल्कोहल हो, इसके अलावा कैफीन है, चाय कॉफी में होता है, जो कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा होता है, इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं। शक्कर है, वो भी एक तरीके से बेकार ही होती है, शरीर में से कैल्शियम मैग्नीशियम को निकालती है। और सोडियम है, ज्यादा मात्रा में साल्ट लेना हो, या जो पैक्ड आइटम होते हैं, पैकेट वाले आइटम होते हैं, ज्यादा फ्राई आइटम होते हैं, तो ये सारे आपकी हड्डियों को कमजोर करते हैं। बेसिकली अगर आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, अगर एल्कोहल वगैरह रहता है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को डिले करता है या नहीं करने देता है। इसी तरीके से काफी चाय होता है और ज्यादा शक्कर वगैरह होती है, तो इन सारी चीजों को बचना है, अवॉइड करना है। तो बोन मजबूत करनी है तो सबसे पहले आपको खाने पे ध्यान देना है,
एक्सरसाइज पे और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी हड्डियों को स्ट्रांग कर सकते हैं अगर कमज़ोर हो रही हैं, या अगर आपकी मजबूत हैं तो उनको कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि जो बोन का कमज़ोर होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, उम्र के साथ होना है। हमारा शरीर 25 से 30 साल में मैक्सिमम बोन की स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम इसको डिले कर सकते हैं या ये जो प्रक्रिया है इसमें अगर हम अपनी दिनचर्या खाने पीने में सुधार करें तो इसको आराम से जो इसकी बोन की कमज़ोर होने की प्रोसेस है उसको हम स्लो कर सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए और ज़रूरी हो जाता है जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं या कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे कि कोई स्टेराइड की दवा ले रहे हैं या गैस की जो PPI होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, या थायराइड की दवा है, या एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं, या झटके वाली दवाइयाँ हैं। ये सब दवाइयाँ फिर आँत के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करती हैं और हड्डियों को भी कमज़ोर करती हैं। और ऐसे ही वो लोग जिनको कोई क्रोनिक बीमारी है जिसमें कैल्शियम या इसके अलावा विटामिन डी, फास्फेट, मैग्नीशियम, इन सब के मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता हो, जैसे कि किडनी की बीमारी हो गई या लीवर की बीमारी हो गई है, पेट की बीमारी हो गई, इन्फ्लेमेटरी बीमारी, इन लोगों की हड्डियां कमजोर होने का ज़्यादा रिस्क बना रहता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जिनको अपनी हड्डी मजबूत करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या खाना है खाना, तो वो उनको कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने बताई है। जो सबसे आखिरी में अगर 1 मिनट में बात को ख़त्म करना हो तो सबसे पहले तो आपको अपने विटामिन डी की जांच करना है या उसका ध्यान देना है कि आपके शरीर में सनलाइट लगे, धूप लगे। फिर कैल्शियम दूध में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और अगर आप दूध नहीं खा पा रहे हैं तो हर तरह के जो खाने होते हैं घर के बने हुए खाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा लगभग आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप कैल्शियम की टेबलेट जरूर खाएं, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, या ऐसे लोग जो किसी क्रोनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए कैल्शियम की टैबलेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू।